हे ऑल, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज जो बहुत ही सिंपल है, आप सबको आती है, लेकिन 99% ऑफ यू ऑलवेज डू इट एंड गेट नेगेटिव मार्क्स। मतलब आप गलत कर आते हैं। कोई मानने को तैयार नहीं होता कि हमको IUPAC नहीं आती। आई एम गोइंग टू राइट वन कंपाउंड एंड यू जस्ट सी टू इट, क्या आप सही नाम लिखेंगे या गलत। मैं कंपाउंड लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप अपने आप से पेन पेंसिल लेके नाम लिखेंगे, यानी वर्बली नाम लिखेंगे, एंड देन सी आपका आंसर गलत आता है या सही। गलत ही आएगा, और यही गलती आप एग्जाम में करेंगे, फिर एक साल का वेट करना पड़ेगा आपको। आर यू रेडी? ओके, देखिए, एक्चुअली हम फिर बाद में कहते हैं, हमें तो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस ने लूटा, बड़ों में कहा दम था, अपनी किस्ती ऐसी डूबी जहाँ पानी कम था। खैर, एनीवे, सी आई एम गोइंग टू राइट वन कंपाउंड। कंपाउंड इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री। ओके, सी एच टू CH double bond CH2 CH2 COOH. Here is your organic compound. Can you see everyone? This is your organic compound. बस सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है आपको। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क व्हाट शुड बी इट्स IUPAC नेम। आई एम जस्ट आस्किंग हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन द पैरेंट चेन एंड विच वन इज योर पैरेंट चेन। सो वीडियो को पॉज करिए, आप लिखिए और देखिए आपका आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। नंबर वन टू दिस कार्बन, नंबर टू टू दिस कार्बन, number 3 to this carbon, number 4 to this carbon. अगर इस carbon को number 4 दिया तो आपका answer हो जाएगा गलत। 90% लोग इसी को count करते हैं, but we cannot count to be this to be the parent chain, क्योंकि my dear students, एक organic compound में जो senior most functional group होता है, that is going to be your secondary suffix. So this is your senior most functional group. So this is going to be secondary suffix. और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही जो सबसे बड़ा होता है वही सेकेंडरी सफिक्स होता है, उसका छोटा फंक्शनल ग्रुप विल एक्ट एज प्रीफिक्स जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। नाउ दिस कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ पैरेंट चेन, सो सेकेंडरी सफिक्स, आफ्टर सेकेंडरी सफिक्स दिस प्राइमरी सफिक्स, दैट इज प्राइमरी सफिक्स इज व्हाट, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन कम्स द सब्स्टिट्यूएंट। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑर्डर फॉर numbering. Now you will say, how will you do the UPSC of this? वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे करोगे। 3, अगर ये मिथाइल नहीं होता तो हम लिखते मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल, इतने को क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी कार्बोनिल, और इधर क्या आ गया, मिथाइल आ गया, तो हम लिखेंगे 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल, मिथॉक्सी कार्बोनिल मिथाइल। बाकी तो सिंपल है, पेंट फॉर इन, पेंट फॉर इन का इन डिलीट हो जाएगा क्योंकि वो वोवेल है, एंड ओइक एसिड, ओइक एसिड, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये गलती सभी लोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और ये गलती आपने नहीं करनी है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई? अगर आ गई तो मैं एक और IUPAC आपको देने जा रहा हूँ, और वो भी गलती मोस्टली लोग करते ही करते हैं। फिर से रूल वही है,
मैं लिखूंगा कंपाउंड, आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप लिखेंगे एंड देन सी टू इट। ये हमारा सिलेक्शन रोक देते हैं। ये बातें हमारे सिलेक्शन क्या रैंक रोक देती है, क्योंकि सबको लगता है कि सबको आता है और सब गलत करके आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा सबसे बड़ी गलती क्या करके आते हैं, ये देखिएगा। सपोज इफ आई राइट सी ओ ओ एच, हियर आई राइट सी डबल बॉन्ड ओ, देन सी एच टू सी एच ethyl C2H5 and then COOH. See to it, you just see this compound. और आपने बताना है कि हम numbering right hand side से करेंगे या left hand side से करेंगे. Numbering should be done from LHS side or RHS side. This is my question, my dear student. Just see to it everyone कि हम numbering किधर से करेंगे. Video को pause करिए और देखिए, अब जितने लोगों ने भी नंबरिंग ये की होगी 1 2 3 4 5, दिस इज द रॉन्ग नंबरिंग। वो क्यों ये नंबरिंग करते हैं वो भी बता देता हूँ। वो सोचते हैं इधर भी सी ओ एच उधर भी सी ओ एच, दिस इज द सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज ऑल्सो द सेकेंडरी सफिक्स, दोनों ही नंबर वन पे आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये फंक्शन ग्रुप कीटो है, कीटो या ऑक्सो जो भी लिखें आप, ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, वो तो छोटा सा इथाइल है, उसके क्या फर्क पड़ेगा बच्चा लोग। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है और वो भी सब्स्टिट्यूएंट है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट को हम ये नहीं देखेंगे कौन फंक्शनल ग्रुप है और कौन नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। वी विल राइट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम ई से स्टार्ट होता है और इसका नाम के या ओ से स्टार्ट होता है, वो जल्दी आता है। तो नंबरिंग रूल फेल हो गया, लोकेंट रूल फेल हो गया, तो अल्फाबेटिकल चलेंगे और ई पहले आता है तो नंबरिंग क्या सही होगी, 1 2 3 4 5, सो दिस नंबरिंग इज करेक्ट, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। इज इट क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे बताएं, मैं ऐसी चीजें और बताऊंगा जो हमें लगता है कि हम जानते हैं और हम जनरली एग्जाम में गलत करके आते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? देख लीजिए आप सभी लोग, हाँ आप चाह रहे होंगे एक और बता दो, मन लालची होता है। चलिए मैं एक और बता देता हूँ, आप भी क्या याद रखेंगे, एक और बता देता हूँ। देखिए फिर से आप गलती करेंगे, आप मानने को तैयार नहीं होंगे आपसे गलती हो रही है, लेकिन कोई नहीं जानता, आप अकेले जानते हैं, तो भैया ठीक कर लेना, ठीक है। नाउ दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, हियर इट्स रिटन सी ओ ओ एच, राइट, here it is written SH, here it's written ethyl and here is the double bond. आपने बताना है SH mercapto की position क्या है, what is the position of mercapto, 1 2 3 4 5, what is the position of mercapto, mercapto will be at which position, option A 2, option B 5, चलो दो ही ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, राइट। तो भैया लो नंबर वन तो उसका अपन को देंगे जहां COH लगा है, उसके बाद हमें मल्टीपल बॉन्ड देखना है, मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग 3 4 5 6, सो व्हाट शुड बी द IUPAC नेम, डेफिनेटली IUPAC नेम लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं, आप सभी लिख सकते हैं IUPAC नेम इसका, इट्स वेरी सिंपल। क्या लिखोगे बच्चा लोग बताओ, IUPAC नेम क्या होगा? सो 5-ethyl 6-mercapto cyclohex 3N, N का इन पूरा आएगा क्योंकि 1-carboxylic acid, ये इसका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कई बच्चों को यहाँ पर भी दिक्कत आती होगी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नेम में, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब आई विल लेट यू नो। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों को एंड मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, राइट। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।